हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर संदीप प्रेमी। आज हम किसी शारीरिक बीमारी की बात ना करके एक सामाजिक बीमारी की बात करेंगे। उसे हम कुरीति भी कह सकते हैं, एक जो कि है कन्या भ्रूण हत्या। जी हाँ, बेटियों को गर्भ में ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। और इस कुरीति को दूर करने के लिए, इस अपराध को दूर करने के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार एवं चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार ने 23 सितंबर 2016 को डॉटर्स आर प्रीशियस अभियान लॉन्च किया था। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक माननीय नवी जैन साहब और उनकी पूरी टीम, डैप रक्षक जिसमें बहुत सारे एनजीओ भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी हैं, जो बेटियां अनमोल हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं कि ये सामाजिक कुरीति अपने समाज से मिट सके। बेटियां अनमोल हैं, डॉटर आर प्रीशियस, डेव फर्स्ट, डेव सेकंड, ये दोनों पहले ही हो चुके हैं। 17 नवंबर 2017 को डेव फर्स्ट हुआ था, जिसके अंदर 158,000 लोगों को बेटियां अनमोल हैं इसके बारे में जागरूक किया गया था। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। और इसी कड़ी में डैप सेकेंड, डॉटर्स आर प्रीशियस सेकेंड, 24 जनवरी 2018 को हुआ था, जिसके अंदर 11,73,000 लोगों को बेटियां अनमोल हैं इस बारे में जागरूक किया गया था। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम थे। अब डैप थ्री है, जिसमें डैप थ्री में नवीन जैन सर का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है कि इसको ग्राम पंचायत लेवल तक, कि बेटियां अनमोल हैं, ग्राम पंचायत लेवल तक लोगों को समझाया जाए, जिसमें जिले से लेके गांव तक लोगों को ये पता लगे कि बेटियां कितनी अनमोल हैं, वो बेटों से किसी भी तरीके से कम नहीं है। एक गांव के बच्चे बच्चे से, बूढ़ी अम्मा से, ताऊ जी से संपर्क हो, नई जनरेशन से संपर्क हो, गाँव की है हर एक पुरुष, नौजवान, महिला, बूढ़ों, बच्चों को ये मैसेज जाए कि बेटियां किस तरह से अनमोल हैं। इसलिए ग्राम पंचायत पे बेटी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, डेप थ्री। तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज दूंगा आज कि ये क्या है और बेटियां किस तरह से अनमोल हैं। और आर प्रीशियस बेटी पंचायत डेप थ्री, घर घर होगी बेटियों की बात। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटियों को गर्भ में जांच कर कि वो लड़का है या लड़की है, अगर लड़की होती है तो उसे मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। अगर हम राजस्थान में लिंगानुपात की बात करें तो 1981 में ये लिंगानुपात जो था वो 954 था, और 2011 आते आते ये लिंगानुपात 888 बच गया है। इसका मतलब है 1000 लड़कों पे 888 लड़कियां, जो कि बहुत ही बुरा है, अपने समाज के लिए एक शर्मनाक बात है कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद में भी बेटियों को कोख में मार रहे हैं। और अगर इस लिंगानुपात की हम बात करें तो झुंझुनू और सीकर बेटियों को मारने में सबसे आगे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे शिक्षा में बहुत ज़्यादा अव्वल नंबर पे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बेटियों को मार रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये कुछ ज़िले हैं जो बेटियों को बचाने में सबसे आगे हैं। यहाँ पे 1000 लड़कों पे 950 लड़कियाँ हैं, और झुंझुनू और सीकर में 1000 लड़कों पे सिर्फ 850 लड़कियां हैं। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से बेटियों को घर में ही मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेटियों की सुरक्षा की चिंता, धार्मिक कारण, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा है, खानदान का नाम। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अपनी पूजा बिरजानिया के बारे में सुना है,
जो कि रियल लाइफ की रोल मॉडल हैं। इस बेटी ने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए लीवर देकर पिता की जान बचाते हुए एक मिसाल पेश की। हमें पूजा बेटी पर गर्व है। और एक तरफ लड़के हैं, ब्रेन हेमरेज के बाद 2 माह से बिस्तर पर थी माँ, प्रोफेसर बेटे ने छत से फेंक दिया। तो क्या अभी भी आपको बेटे चाहिए? ऐसे बेटे चाहिए आपको जो अपनी माँ को मार दे? अमेरिका से आया बेटा, घर पर मिली माँ का कंकाल। बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, माँ ने पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, लेकिन क्या हुआ, बेटा अमेरिका में जाके बस गया, माँ की कोई खबर नहीं है। जब वो आया बहुत सालों बाद में, तो उसे दिखा कि माँ तो बेड पे पड़ी है, उसका कंकाल पड़ा है। तो क्या ऐसे बेटे चाहिए आपको? बेटियों ने कहाँ अपना नाम रोशन नहीं किया, खानदान का नाम रोशन किया है। हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियन खेलों में भारत की बेटियों ने देश को 27 मेडल पर कब्जा जमाते हुए पूरे विश्व में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। विनेश फोगाट, MR पूर्वम्मा, हिमा दास, ये लड़कियां हैं जिन्होंने अपने देश का बहुत नाम रोशन किया है। डॉक्टर आर प्रीशियस डेप का कवरेज भी बहुत मीडिया में हुआ है। कोक में मारने वाले, बच्चियों को मारने वाले, और नाम रखा है इन्होंने सफाई। बेटियों को मारने में बदनाम था राजस्थान, अब बेटियों वाला प्रदेश में हो रही है गिनती। समाज में कन्या भ्रूण हत्या, जड़ें उखाड़नी होगी, जैसा कि हमारे नवीन जैन साहब ने कहा है। और ये बार बार भ्रूण हत्या रोकने के किए जा रहे प्रयासों से अवगत भी करवा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं में डेप रक्षक, डेप 1 और डेप 2 के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को जागरूक कर चुके हैं कि बेटियां अनमोल हैं। अगर मैं आपका परिचय करवाऊं कन्या भ्रूण हत्या से, महिला जब गर्भवती होती है उसके गर्भ में यह पता लगाना कि लड़का है या लड़की है, जांच में लड़की होने पर पता लगने पर उसे घर में ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण अपराध है, लोग ऐसा करेंगे तो सरकार उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है और इसके अंदर सजा का प्रावधान भी है। 3 वर्ष की जेल और 10,000 से 50,000 तक जुर्माना लगता है। अगर वह व्यक्ति दोबारा भी यही कोशिश करता है तो 5 वर्ष की जेल और 50,000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना भी लगता है। इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी, गैर जमानती वारंट होता है ये, बाद में समझौता नहीं हो सकता है। सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग, यह गर्भ के शिशु की स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए बना था, लेकिन लोगों द्वारा इसका बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया और शिशु के स्वास्थ्य की जगह भ्रूण लिंग की जांच होने लगी और बेटियों को गर्भ में ही इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें हमारे सरकारी महकमे के भी लोग हैं, कुछ ANM हैं, कुछ GNM हैं, कुछ डॉक्टर हैं और कुछ अनपढ़ 10वीं फेल लोग भी इस कुकृत्य को करने में लगे हुए हैं। और बहुत सारी सोनोग्राफी मशीन या फिर ऐसी मशीनें जो सोनोग्राफी मशीनें नहीं है, जिनसे कोई जांच भी नहीं हो सकती है, उनका यूज़ करके बेटियों को मारा जा रहा है। सरकार द्वारा कानून लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। राष्ट्रीय योजना, मुखबिर योजना, डिकॉय ऑपरेशन, बेटियां अनमोल है कार्यक्रम, दोषियों की कड़ी सजा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि बेटियों को बचाने के लिए माने क्या क्या योजनाएं लागू करी हैं, जिसमें से एक योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। जब बेटी का जन्म होता है तो उसे 2500 रुपये, पहले जन्मदिन पे 2500 रुपये, राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में अगर वो प्रवेश लेती है तो उसे 4000 रुपये, छठी क्लास में प्रवेश लेने पे 5000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पे 11000 रुपये और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये बेटियों को दिए जाते हैं, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगी बेटियों को बचाने में। बेटियां अब बोझ नहीं हैं, सरकार उनका पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। मुखबिर योजना, यदि आपके आसपास कोई परिवार गर्भवती महिला की भ्रूण लिंग जांच
कराने का प्रयास करता है, अथवा आपको यह जानकारी है कि आपके आसपास या कहीं भी किसी सोनोग्राफी सेंटर पर या खेत, मकान या चलती गाड़ी गाड़ियों में भ्रूण लिंग परीक्षण होता है, तो उसकी सूचना तुरंत 104 या 108 नंबर पर दे सकते हैं। इसके अलावा 0141-222-1812 पर भी ये जानकारी दी जा सकती है। जैसा कि हमने मुखबिर योजना के बारे में बताया था, भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले मुखबिर को 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। डिकॉय ऑपरेशन में भाग लेने वाली गर्भवती महिला को 1,00,000 रुपये, डिकॉय ऑपरेशन में भाग लेने वाली सहायिका को 50,000 रुपये। राजस्थान सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है कि महिला गर्भवती है, वो इतना पुण्य का काम कर रही है कि कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त व्यक्तियों को वो पकड़वा सके, तो उसको एक साथ में एक महिला भी चाहिए। उस महिला को तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार 50,000 रुपये दे रही है, जिससे कि वो महिला, उस गर्भवती महिला का भी ध्यान रख सके, कि क्योंकि ये बहुत ही चालाक लोग हैं जो कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। वो गाड़ियों में चक्कर लगवाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक सहायिका अगर उसके साथ में है, लेकिन सहायिका को भी संबल देने के लिए, बल देने के लिए राजस्थान सरकार 50,000 रुपये दे रही है कि गर्भवती महिला को इस भागदौड़ में कोई परेशानी ना आए। डिकॉय ऑपरेशन, आपकी सूचना के आधार पर हमारे यहाँ एक विशेष ब्यौरा गठित है जो उस सूचना का सत्यापन करेगा तथा अपने तरीके से गलत काम को होने से रोकने के लिए फर्जी ग्राहक बनाकर भेजेगा तथा एजेंट या सेंटर या जो भी व्यक्ति उस काम में लगा है उसको रंगे हाथों पकड़ेगा। डिकॉय ऑपरेशन, अभी तक 2019-9 से 2018 तक 130 डिकॉय ऑपरेशन हुए हैं, जिनके अंदर 311 व्यक्तियों को, चिकित्सकों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें से 205 राज्य और 106 इंटर स्टेट थे। और इसमें मुझे बहुत ही खेद हो रहा है ये बताते हुए कि इसमें 74 डॉक्टर भी पकड़े गए हैं जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त पाए गए हैं, जिसमें से 44 राज्य और 30 इंटर स्टेट डॉक्टर थे। आपको जानकर गर्व होगा कि बेटियों को बचाने के लिए हमारे ब्यूरो की टीम दूसरे राज्यों में जाकर भी डिकॉय ऑपरेशन कर कन्या भ्रूण हत्या हत्यारों को जेल की सलाखों तक पहुंचा रही है। अगर मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में 12, गुजरात में 13, दिल्ली में 1, हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश में 4 और पंजाब में 4 राजस्थान सरकार ने डिकॉय ऑपरेशन करे हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है दूसरे स्टेट में जाके भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को पकड़ना, लेकिन राजस्थान इसमें बहुत ही अव्वल है, बहुत ही अच्छे से तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि राजस्थान चाहता है कि कन्या भ्रूण हत्या पे पूरी तरह से लगाम लगे, ये सामाजिक बुराई हमारे समाज से जल्दी ख़त्म हो सके। क्या आप चाहते हैं आप दलाल के रूप में जाने जाएं या सरकार की मदद कर बेटी बचाने के लिए जाने जाएं? अगर हम इन दलालों की बात करें तो बीकानेर से आगरा ले जाकर भ्रूण जांच पकड़े गए, गुजरात के अस्पताल में कराते थे लिंग जांच, डॉक्टर और सरकारी एनएम गिरफ्तार, नारनौल में भ्रूण लिंग जांच करते 3 दलाल गिरफ्तार, प्रसूता को ग्राहक बनाकर भेजा, सोनोग्राफी हुई, डॉक्टर बोला बेटा है, पुलिस ने पकड़ लिया। कार में सोनोग्राफी, महिला चिकित्सक गिरफ्तार। अब देखिए, महिला चिकित्सक, वो खुद एक महिला है लेकिन वो बेटियों को मार रही है, और वो भी कहाँ पे, कार में सोनोग्राफी करके। क्या उसके माता पिता ने इसीलिए उसे डॉक्टर बनाया था कि वो बेटियों को मारे? क्या उसकी माँ ने उसे ये सिखाया था? नहीं, लेकिन ये सब पैसों का लालच, जो कि बहुत बुरा है। क्या आपको पता है बेटियों को मारने के लिए उम्र भी मायने नहीं रखती? लिंग जांच का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा, 78 साल के डॉक्टर सहित 5 गिरफ्तार। 78 साल उम्र है, प्रभु के गुणगान करने चाहिए, और ये देवी स्वरूप बेटियों को मार रहे हैं। क्या आपको पता है बेटियों को मारने की भावना खून के रूप में पीढ़ियों में भी दौड़ रही है?
25 करोड़ रुपए की संपत्ति वाला डॉक्टर भ्रूण जांच करते पकड़ा। बहुत ही शर्म की बात है, एक डॉक्टर डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में आने के बाद में ये लोग पैसे की भूख में बेटियों को ही खा जाते हैं। 23,000 में भ्रूण लिंग जांच करते BCMO गिरफ्तार। अब इससे भी शर्म की बात क्या होगी जिसके पास 25 करोड़ हैं और उसका बेटा 23,000 रुपए में भ्रूण हत्या कर रहा है। क्या आपको पता है कि आप जैसे लोगों को बेटे की चाह का फायदा कुछ उठाकर कुछ बेरोजगार अपना आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लकड़ी के कैमरे से भ्रूण लिंग जांच कर माह में कमाते थे 12 लाख रुपए। आप बेरोजगार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटियों को मार देंगे, क्योंकि हमारी PNDT की शैल आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप कुछ भी करें, आप किस कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन हमारी टीम अभी छोड़ने वाली नहीं है। आप कहीं भी छुपे हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको सलाखों के पीछे ही डाला जाएगा। अब इन्होंने एक लकड़ी का कैमरा, गांव के भोले भाले लोग, रूढ़िवादी विचारों के इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और ये लोग लकड़ी से सोनोग्राफी करते हैं। 12वीं पास खिलौना लैपटॉप से कर रहा था भ्रूण लिंग परीक्षण, जिसमें बच्चे खेल खेलते हैं, उसको दिखाया कि ये सोनोग्राफी मशीन है। और कहाँ तो इसमें लिंग की जांच होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कहेंगे यही कि बेटी थी और मार देंगे। पेन ड्राइव लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर चलाता सोनोग्राफी का वीडियो और पेट पे ग्लूकोमीटर घुमाकर करता था सोनोग्राफी। देखें इन लोगों ने पैसे की भूख में किस तरह से धंधे खोल रखे हैं। हमें सभी को इनसे बचना है। वॉशिंग मशीन के पाइप पर बल्ब लगा सोनोग्राफी मशीन बताते 10वीं पास युवक डॉक्टर बन जाता, यूट्यूब का वीडियो दिखा कहते गर्भ में बेटी है, 3 आरोपी गिरफ्तार। हम लोग हमारी PCPNDT की सेल इसमें इतनी सख्त है कि सरकारी डॉक्टर हो या ANM हो, चाहे वो सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो लिप्त है इसमें तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे सलाखों के पीछे ही डाला जाएगा। तेईस हजार में भ्रूण लिंग जांच करते BCMO ब्लॉक ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक का, वो 23,000 रुपए में पकड़ा गया, उसको भी सलाखों के पीछे डाला गया है। अब हरियाणा जैसे प्रदेश में समस्याएं इतनी विकट हैं कि 2.5 लाख मौवे बाहर से आई हैं, 46% लड़के अभी भी कुंवारे हैं, फिर भी हम नहीं सीख रहे हैं, बेटियों को कोख में ही मार रहे हैं। सामान्य सोनोग्राफी करवा के झूठी जानकारी देती थी महिला दलाल। अब इसमें क्या होता है कि आप गए भ्रूण परीक्षण करवाना है, लिंग परीक्षण करवाना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इन कोख के हथियारों को इससे मतलब नहीं है कि बेटा है या बेटी है। सामान्य सोनोग्राफी करवाई, कहा लड़की है और आपने उसे मार दिया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कहेंगे यही आपसे ये लोग कि लड़की है, क्योंकि लड़की है तभी तो आप पैसे देंगे, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, ये यूं ही बोलेंगे कि आपके कुक में बेटी है और उसे मार देंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे कमाने हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। 6,200 शिक्षण संस्थाओं में बेटियां अनमोल का संदेश दिया गया, 220 डेप रक्षकों ने बेटी बचाने का संदेश, बालिकाओं का सम्मानित किया गया, डॉटर आर प्रीशियस कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए जो कि मीडिया में कवरेज आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राज्य के सभी जिलों में फैलाने की घोषणा की। वर्तमान में योजना सभी जिलों में लागू है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिले में किए गए उल्लेखनीय कार्य, नवाचार, सामूहिक विवाह आयोजन के समय वर वधू को एवं अन्य उपस्थित आगंतुकों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई जाती है। दिवाली के शुभ अवसर पर व्यापार मंडल के द्वारा होर्डिंग के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार प्रसार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जैन समाज की ऐतिहासिक पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदेश एवं समाज के व्यापक समर्थ एवं ऐतिहासिक सफलता के प्रेरित होकर
2016-17 हेतु 6 से 11 तक नवीन प्रवेशार्थियों छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा पहले आओ पहले पाओ। जिले में आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षकों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शपथ एवं विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। बेटी जन्मोत्सव, जिले के प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक माह की 24 तारीख को बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित किया जाता है। धन्यवाद। डॉटर्स आर प्रीशियस, बेटियां अनमोल हैं, इन्हें बचाइए, ये आपका जीवन खुशियों से भर देंगे।